Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. It's me Sayyid Muhammad Hassanada from MathyMath.com. Let's start with question number 1 of exercise number 5.1. The statement of the question is factorize. So we have actually to factorize all the parts of question number 1. In tamam parts mein humne karna kuch is tarah se hai ki jo hume common lag raha hai वो हमने कॉमन ले लेना है. जिस तरह से इसका फर्स्ट पार्ट है, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि 2abc minus 4abx plus 2abd. अब अगर हम यहां देखें तो यहां पे यहां 2 है, यहां 2 का मल्टीपल यानी 4 है, यहां भी 2 है. तो इन तीनों में से 2 को कॉमन लिया जा सकता है. फिर यहां a है, यहां भी a है, और यहां तीसरी जगह पर भी a है, तो a को भी हम कॉमन ले सकते हैं. बिल्कुल इसी तरह से यहां b है, यहां b है, और यहां भी b है, सो यहां से b को भी कॉमन लिया जा सकता है. तो एक्चुअली हमने देखना ये होता है कि हमारे पास जितने भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में तीन जो है ना वो प्लेसेस हैं, तीन प्लेसेस से हम मैक्सिमम क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं. तो यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे हम 2ab कॉमन ले सकते हैं. तो यहां से हमने 2ab को कॉमन यहां से निकाल लिया, बाहर ले, यानी 2ab पर हमने ये तीनों पार्ट्स को डिवाइड कर दिया. तो यहां से 2ab कॉमन निकला, बाकी हमारे पास c रह जाएगा, तो इसलिए यहां c आ गया. यहां से a और b निकले, तो यहां पे खाली x रह गया, और ये यहां से 4 में से 2 यानी 4 को 2 पर डिवाइड किया, तो हमारे पास यहां पे 2 आ जाएगा. और बिल्कुल इसी तरह से यहां से भी 2ab कॉमन निकल गया, तो बाकी हमारे पास यहां पे d आ गया. तो एक्चुअली हमने इस फर्स्ट पार्ट को फैक्टराइज कर दिया, इसके टू पार्ट्स में हमने इसे फैक्टराइज कर दिया. अभी इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं. बिल्कुल इसी तरह से जैसा कि फर्स्ट पार्ट हमने किया है, इसके सेकंड पार्ट में 9xy minus 12x2y plus 18y2. अब अगर आप यहां पे देखें तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इसके इस क्वेश्चन में ये तीनों जो इसके पार्ट्स हैं ये 3 पर डिविजिबल हैं. ये भी 3 पर डिविजिबल है, इस ये भी 3 पर डिवाइड हो सकता है, और ये भी 3 पर डिवाइड हो सकता है. सो तीनों में से तो सबसे पहले तो हम 3 को कॉमन ले सकते हैं. इसके बाद यहां y है, यहां y है, और यहां पे भी ये y2 है, इसका मतलब है ये y मल्टीप्लाइड बाय y है. तो इन तीनों में से हम y को कॉमन ले लेते हैं. तो अब एक्चुअली इन तीनों में से 3y कॉमन आ जाएगा. जब 3y कॉमन आएगा तो हमारे पास यहां पे देखें, यहां से ये 9 जो है ये 3 पे डिवाइड हुआ, तो बाकी 3 रह गया, और y और वैसे ही कॉमन चला गया, बाहर चला गया, या इसको y पर हम डिवाइड करते हैं, y y से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास यहां पे 3x आ जाएगा. यहां से भी अगर आप देखें तो y तो ऑलरेडी कॉमन चला गया, बाकी x2 यहां पे रह गया, और 12 को हम फिर 3 पर डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा. बिल्कुल इसी तरह से यहां पे 18y2 को 3y पर डिवाइड किया, तो ये हमारे पास यहां पे 6y आएगा, और ये इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया. इसका थर्ड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से है, आप सिर्फ इसको देख लें. फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट ये तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है. अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारा YouTube चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें. Thanks for watching MathyMath.com.